वाराणसी से मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के सीईओ स्वदेश कुमार सिंह के जन्मदिन उपलक्ष्य में जीएनआईओटी के वरिष्ठ सलाहकार उमेश कुमार सिंह के द्वारा तेलियाबाग स्थित श्री राम कटरा में जीएनआईओटी के क्षेत्रीय कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का भक्तिमय गायन करके बाबा काशी विश्वनाथ जी संकटन मोचन हनुमान जी प्रार्थना करके स्वदेश कुमार सिंह जी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की व साथ में काशी के वरिष्ठ पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह और प्रसाद वितरण करके जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य सम्मानित होकर अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राय जी, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष चारूचंद्र त्रिपाठी जी, काशी सहायोदया के अध्यक्ष व दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री गणेश सहायक जी, श्री प्रकाश सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, चंद्रमण सिंह जी, संतोष सिंह जी, विनीत उपाध्याय जी, जितेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर ए पी जी गौर जी, डॉक्टर नागेश्वर सिंह जी सहित अनेक सम्मानित जन उपस्थित रहे। आज उमेश जी के जन्मदिन पे क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी के जन्मदिन पे ढेर सारी बधाई उनको, नए वर्ष के साथ उनको बधाई कि भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। इसके बाद उनका जन्मदिन मैंने अपने विद्यालय में मनाया था। उमेश भाई साहब जो जेएनआईटी के एडवाइज़र हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा कोलाबरेशन हम लोगों का है। जेएनआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसे बच्चे जो कर नहीं पा रहे हैं अच्छा, उनके लिए फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं, उनके एडमिशन से लेकर उनके प्रमोशन तक सारा कार्य वो देख रहे हैं। तो सुदेश जी और उमेश जी दोनों को बधाई के पात्र हैं कि अच्छे मार्गदर्शन के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगी जेएनआईटी? गरीब बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध कराती है, उनके लिए जो रिसोर्स मटेरियल वो भी उपलब्ध कराती है, प्लस जो बच्चे ऐसे जो एडमिशन में कठिनाई महसूस करते हैं, आर्थिक संकट होता है, उनको भी वो कंसेशन देके इस प्रकार की प्रक्रिया में उनको शामिल करके उनका एडमिशन कर सकते हैं। एडवाइज़र GNIOT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। आज इस कॉलेज के CEO श्री स्वदेश कुमार सिंह जी का बर्थडे है। उस अवसर पर हम सभी लोग कॉलेज के प्रधानाचार्य जी के साथ इकट्ठे हुए और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और GNIOT कैसा काम कर रहा है अभी आप लोगों को सर बताएंगे। मैं डॉक्टर ए पी गौड़, प्रधानाचार्य हरमन मानेर स्कूल चौधपुर वाराणसी। सबसे पहले तो उमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया। यहाँ पे स्वदेश कुमार जी का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे जो है स्वस्थ रहें और इसी तरह से जो है कॉलेज के नाम को और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति कर रहे हैं और जो छात्रों का भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं, वो इसी कार्य को आगे बढ़ाते रहें। उनके लिए जन्मदिन की पुनः बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जहाँ तक GNIOT का सवाल है, तो ये उमेश जी तो हमेशा ही जो है हर जगह, हर जलसे में, हर कार्यक्रम में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में उपस्थित रहते हैं। हमें भी जो असन के बाद हमारे कॉलेज में आते हैं, हर बात पे फ़ोन करते हैं, हर उस पर मिस जो इनका कार्य चल रहा है, जिस आत्मीयता से बात करते हैं ना उमेश जी, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का इस GNIOT के साथ जुड़ाव जो है बहुत ही ज़्यादा सुखदपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है GNIOT के लिए भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार फिर से मुझे जो है यहाँ पे आमंत्रित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छा, ये जन्मदिन भी है और बनारस के अंदर आप पदार्पण है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बनारस की जनता के लिए आप क्या संदेश दें? बनारस की जनता के लिए ये संदेश है कि भाई आप जो है सुरक्षित हाथों में हैं। प्रधानमंत्री जो है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जहाँ के सांसद हों और जहाँ जो है साक्षात जो है बाबा विश्वनाथ विराजमान हों, ऐसे लोग कभी भी किसी चीज़ का अभाव तो रहेगा नहीं कभी भी। और जहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्वदेश कुमार जी जैसे लोग हैं, ऐसा क्षेत्र जो है कभी भी यहाँ के क्षेत्रवासी जो यहाँ के
जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी तरह की मायूसियत की कोई आवश्यकता ही नहीं कभी जी। इन शॉर्ट सर, अगर बात की जाए एज ए प्रिंसिपल सर, अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो भारत देश के सभी विद्यार्थी पूरे देश में अपने कला कौशल का डंका बजा रहे हैं, पर सर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो सफलता के निशान को पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, तो उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए सर एक शॉर्ट मैसेज कि फिर से वो जीरो से शुरू करें या कैसे क्या सर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें? नहीं, जो जिसके अंदर लगन होगी और जो है संकल्पित होगा किसी कार्य को करने के लिए वो कभी मायूस तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा यही संदेश है कि भाई आप प्रयास करते रहिए, सफलता तो कभी ना कभी आएगी आएगी जो है सफलता तो कभी ना कभी आपको अवश्य मिलेगी। आप अपना जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं और जो अपने रास्ता चूज किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस पर आपको निरंतर सतत बढ़ते रहना चाहिए, यही सफलता मिलेगी। जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक डॉक्टर घनश्याम सिंह पी जी कॉलेज, प्रबंधक डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैं प्रबंधक हूँ। विगत 22 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करता रहा हूँ कि किसी तरह से किस तरह से शिक्षा को बेहतरीन बनाया जा सके, इसमें उमेश जी का भी बहुत ही योगदान रहता है। हमेशा इस तरह से कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से इसका वो किया, कैसे ऊंचाई पर पहुँचाया जाए, इसका हमेशा प्रयास किया जाता है। और निकट भविष्य में भी जैसा कि अभी बात हो रही थी, अभी सभी इन्होंने कहा कि हमेशा हम लोग को किस तरह से इसको आगे सुधार करना है, तो सुधार कर लिए बेहतरी के लिए प्रयास किया जाता है कि ऐसे ऐसे सुधार करना है। उसमें हम लोग समाज के द्वारा और समाज की तरफ से भी जितना भी हो सकता उतना प्रयास किया जाता है। जो लड़के इस तरह के आते हैं वहाँ अगर बहुत अच्छे भी रहते हैं, उसी में से उनको निखारना, उसी तरह उनको आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे उनको पहुँचाया जाए, ये हमें प्रयास करना है। ठीक, आप सभी लोगों को, मैं जयप्रकाश शर्मा, डायरेक्टर ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल जी, ICSE बोर्ड का हमारा विद्यालय है जी। आज JNIT के CEO स्वदेश कुमार जी का जन्मदिन है जी। पूरे बनारस वासियों के द्वारा और पूरे विद्यालय के द्वारा पहले हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं कि वह निरंतर इसी प्रकार बनारस में ऐसा कार्य करें कि जीवन में जो है एक सफल चीज़ें दिखे हम लोगों को, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा चीज़ें मिले। और उनके द्वारा जो भी कार्य यहाँ तक उमेश जी द्वारा, हमारे भाई उमेश जी हमेशा विद्यालय में आते हैं और उनके द्वारा बताए गए कार्यों को बताते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि इस प्रकार का CEO हमने नहीं देखा अभी तक। अच्छा, बनारस के अंदर कार्य करने का आपने कहा, सर का जन्मदिन है जी, जी। तो बनारस के बच्चों के लिए आपका क्या योगदान है? सर, बनारस के बच्चों के लिए हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो सही में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, अभाव है। विद्यालय द्वारा, उमेश जी द्वारा और विद्यालय के हमारे काफ़ी जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, सभी लोग मिलके एक ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है जिसमें कि बच्चों को उनके कपड़े, उनके ड्रेस, उनके लिए कापी किताब और भी बहुत सी चीज़ें की व्यवस्था किया जा रहा है। बच्चियों के लिए हम लोग, लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हम लोगों ने किया, उसमें भी काफ़ी बच्चों को हम लोग काफ़ी छूट दे रहे हैं कि जैसे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। और JNIT के द्वारा तो समझ लीजिए बहुत सा सहयोग है। ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके द्वारा हम लोगों को अभी तक कभी सूचना नहीं थी, वो हमें उमेश जी ने बताया कि आप उनको सर वहाँ से भेजिए, हम जितना हो सकता है मदद करेंगे। तो हम तो कहेंगे बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद हमारे CEO स्वदेश कुमार जी को हमेशा मिलता रहे और वो निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। और मंगल कामना हम लोग की है सारे प्रिंसिपल समुदाय से, हमारे सभी डायरेक्टर महोदय से, कि वो लोग इनका सहयोग इसी प्रकार से हमने हमेशा मिलता सर। अगर आंकड़ों की बात की जाए सर, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी वर्तमान में ऐसा निष्कर्ष आया था कि छात्र जीवन में विद्यार्थी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह, नशा वगैरह लेना शुरू करते हैं, तो क्या लगता है सर कि जो विद्यार्थी या जो युवा नशा वगैरह करना शुरू करता है उनके क्या बेसिक रीजंस होंगे, क्या कारण से वो नशा शुरू? सर, उसके पीछे बच्चों के अंदर जो है आत्मिक शक्ति, जैसे कहते हैं इंटरनल जो डेवलपमेंट होता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता। वो किसी न किसी द्वारा किसी के भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण वो इस प्रकार के गलत कार्यों के प्रति चले जाते हैं। अगर उनको फिर से दोबारा से उनको समझाया जाए, बताया जाए और प्रेम पूर्वक बातों को बताया जाए, वो फिर से उसी रास्ते सही रास्ते जा सकते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों की निगाह में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कभी भी भटके तो हम लोगों ने उनको बुलाया, अच्छी काउंसलिंग किया और फिर उनको सही रास्ते हम लोग दिया, और जिसके कारण आज देखिए बहुत अच्छे स्थान पर हैं। हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं।
कुछ बच्चे गलत हो जाते हैं तो उनको दोबारा बैठा के एक अच्छी काउंसलिंग की जाए तो हमें लगता है कि बच्चा फिर से पुनः अच्छे ढंग से सही रास्ते पर जा सकता है। थैंक यू सर।